यार ये बात गलत था। हम तो एक्साइटेड थे कि भाई सनी देओल कुछ ऐसी स्पीच देंगे जिस तरीके से मूवी के अंदर बोला था बाहर अपने प्रमोशन में भी कि भाई मजा ही आ जाएगा, पाकिस्तान को पूरा रोस्ट कर देंगे। लेकिन यार ये तो ठंडे निकले भाई। यार क्या प्रमोशन में बोल गए हैं सनी देओल और अमीषा पटेल। ठीक है, अमीषा पटेल से तो मैं अभी से बहुत होता ना उलझुल गुस्से में बैठा हूँ, क्योंकि क्या बोल रही थी तुम जब आया था अपना केरला स्टोरी, तो क्या बोल रही थी कि ये चीज़ें गलत दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान से तो अच्छे संबंध हैं, हमारी जो मूवी है वो प्रेम बांटती है। मूवी के अंदर तो भाई सनी देओल ने भी अच्छे खासे डायलॉग बोले, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि सियासत ये सब चीज़ें कराती है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। भाई कितने टेररिस्ट अटैक होते हैं, कहाँ से आते हैं, मतलब कि कहाँ से आते हैं भाई, पाकिस्तान से ही तो आते हैं भाई। दो चार लोग ठीक हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सारे लोग ठीक हैं। अगर भाई तुम बताओ, अगर गू में चार मटर के दाने हैं तो वो उठा के तुम साफ करके खा लोगे क्या? नहीं ना भाई, दो चार अच्छे लोग हैं। बाकी पुलवामा अटैक भूले नहीं हम लोग, और भाई अगर ऐसा रहा तो डेफिनेटली देर विल बी बज, जहां पर लोग बॉयकॉट कर देंगे गदर को भी। अच्छी मूवी बनाई आपने, ट्रेलर ठीक चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप ऐसा ना सियासत को इस चीज़ का जिम्मेदार बताकर इन लोगों को बिल्कुल ठीक कर देंगे। पाकिस्तान वाले तो बहुत ठीक है, एक सीमा आ गई है, बहुत है और लोग नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी इसको भी उल्टा भेज क्या हो क्या है सचिन, लप्पू सा सचिन यार, ये बातें सुनने को मिल गई है हिंदुस्तान के लड़के को ये सब चीज़ करके। बाकी जनता आप मुझे बताओ आपको कैसा लगा ट्रेलर, और सनी देओल के बोलने से कितना ठीक था कितना गलत। बाकी मिलता हूँ जल्द, बाय बाय।